अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के बैटिंग कोच ग्रांड फ्लावर का मानना है कि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे इंटरनेशनल सीरीज में उम्दा बैटिंग की और 2 सेंचुरियां बनाई। गैर मुल्की खबर रदा इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में ग्रांड फ्लावर ने इसकी कारकर्दगी के बिना पर उन्हें इस कदर अच्छा बल्लेबाज करार दिया कि वो वनडे टीम में बतौर बैट्समैन खेल सकते हैं। दोस्तों, इनका मजीद कहना था कि मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इस मरतबा वो मूड से नहीं बल्कि अपने दिमाग से क्रिकेट खेलते नजर आए हैं और अच्छी तरीके से इनिंग्स खेली हैं। दोस्तों, इनका मजीद कहना था कि वो पहले 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतने अच्छे बैट्समैन हैं कि वो किसी नंबर पर भी खेल सकते हैं। दोस्तों, इनका कहना था कि वो पावर हिटर नहीं, लेकिन फिर भी बाउंड्री हासिल कर सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं और अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। विकेट पर रन के एतबार से वो हमारे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।